Hey guys, आज मैं आपको अपने बैल्कनी में लगे हुए वेजिटेबल प्लांट्स को दिखाऊंगी जिनको आप भी अपने गार्डन में इजिली लगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे नए अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जो मैं आपको पहला प्लांट दिखा रही हूँ इसका नाम है करी पत्ता। जो करी पत्ता प्लांट है ये एक फेमस पॉपुलर कॉमन प्लांट है। आप इसको नर्सरी से कहीं पे भी बाय कर सकते हैं, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि जर्मिनेशन प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ये इजी टू वेल मेंटेन प्लांट है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस प्लांट का कि इसको टेम्परेचर से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हर सीजन में अच्छे से ग्रो करता है, थ्राइव करता है। विंटर्स में कई बार ये केसेस होता है कि ये पत्तियां अपनी गिरानी स्टार्ट कर देता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ठंड में जो प्लांट है वो सर्वाइव करने के लिए अपनी पत्तियों को झाड़ देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो करी पत्ता का प्लांट है ये खराब हो गया है। अगर आपके घर में स्पेस कम है या फिर जो आपकी बैल्कनी है वो बहुत छोटी है तो ये प्लांट छोटे से कंटेनर में भी आप ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाता है। नेक्स्ट प्लांट है तोरी का प्लांट। जो ये तोरी का प्लांट है आप देखिए छोटे से प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है और इतने अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। इसकी ग्रोथ को देख के तो मैं भी शॉक हो गई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको बेलों का शौक है और अगर आप बेलों को अपने बैल्कनी में डेकोरेट करना चाहते हैं तो उस पर्पज के लिए भी ये तोरी का जो प्लांट है बहुत बेस्ट है। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है इसका नाम है आंवला। जो आंवला है ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और आप ये देखिए मैंने छोटे से कंटेनर में इसको ग्रो किया हुआ है और साथ में ही इसके मैंने दो प्लांट्स और इसमें ऐड किए हुए हैं। ये फिर भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चल रही है। सिर्फ इसको सनलाइट की जरूरत होती है तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस कीजिएगा अपनी बैल्कनी में जहां पे इसको बहुत अच्छी सनलाइट मिलती रहे। आंवले के प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है सनलाइट और वाटर, तो हमेशा ध्यान रखिए अपनी बैल्कनी में इसको आप ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पे इसको प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिलती रहे। आप इसको फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपका काउ मैन्योर है या फिर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइजर है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसको वो दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। ये जो मेरा आंवला का प्लांट है ये भी किसी भी सीजन में आराम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको अपने नियर बाय जो आपकी नर्सरी है उससे भी आप इसको खरीद सकते हैं। ये बहुत कॉमन प्लांट है, ये भी आपको हर जगह नर्सरी में मिल जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है इस प्लांट का नाम है अजवाइन। तो जो ये प्लांट है ये जो हमारे किचन में अजवाइन की सीड्स होती हैं ये उससे ग्रो नहीं हुआ है। जो अजवाइन का प्लांट है इसको हम इंडियन बॉरस बोलते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप इसको छोटे से भी कंटेनर में अगर लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से थ्राइव करता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके नियर बाय कहीं पे भी ये प्लांट है, अगर आप इसको 2 इंच की अगर इसकी कटिंग लेके आते हैं और सॉइल में इसको डायरेक्टली लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। विंटर्स में कई बार इस प्लांट के साथ ऐसा भी होता है कि अगर इसको पूरी सनलाइट ना मिले तो ये प्लांट खराब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी हमारे वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं आप उनको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पे इनको सबसे ज्यादा सनलाइट मिल सके, क्योंकि ये प्लांट की जो फ्लावरिंग या फिर जो फ्रूटिंग होती है वो सनलाइट पे डिपेंड होती है। जो मेरा ये जो सैपलिंग्स देख रहे हैं ये मिर्ची की सैपलिंग्स है। जो मिर्ची की सैपलिंग्स है ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। आप मिर्ची के पौधे को नर्सरी से भी खरीद सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। आपके पास जो सूखी हुई अगर मिर्ची है तो आप उनके सीड्स को निकाल लीजिए और उनको अब मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद 15 दिन के बाद आपको इस तरीके की सैपलिंग्स दिखनी स्टार्ट होंगी। जैसे ही ये सैपलिंग्स मैच्योर हो जाती हैं फिर आप इसको इंडिविजुअल प्लांटर में इसको ग्रो कर सकते हैं। मिर्ची प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फर्टिलाइजर। जब भी आप अपने मिर्ची के प्लांट को नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़े से नीम के पत्ते को ऐड कर लीजिए। नीम के पत्तों का ऐड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो हमारे फ्लावरिंग या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं इनमें जो पेस्ट होता है वो बहुत जल्दी अटैक करता है। अगर हम नीम की पत्तियां पहले ही डाल देंगे तो इससे जो चांसेस होंगे मिलीबग्स या किसी भी एफिड या किसी भी इंसेक्ट्स के वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।
जो मेरी आप ये नेक्स्ट सैपलिंग देख रहे हैं, ये खीरे की सैपलिंग है। खीरे को भी मैंने ग्रो किया था बाय सीड्स, तो ये धीरे धीरे अब इसकी सैपलिंग्स निकलनी स्टार्ट हुई हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप विंटर्स में लगाएं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप समर्स में लगाएं। ये जो आप मेरी सैपलिंग्स देख रहे हैं, ये मैंने मार्च और अप्रैल के मिड में लगाया था, अब इसका रिजल्ट धीरे धीरे निकल रहा है जी। वहीं आप ये जो दूसरी सैपलिंग्स देख रहे हैं, ये मेरे टमाटोज की सैपलिंग है। जो टमाटो प्लांट है, ये भी घर में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर आप इसके स्लाइसेस को कट करके सीधा सॉइल में लगा लेते हैं, तो उसके थोड़ी थोड़ी सैपलिंग्स निकलनी स्टार्ट होती हैं। अगर आपको सीड से नहीं लगाना है, तो आप नियर बाय अपनी नर्सरी से भी इसको खरीद सकते हैं। जो टमाटो प्लांट है, इसको भी सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए टमाटो के प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है, ये है पान के पत्ते का प्लांट। ये प्लांट आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड्स के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ इसको ब्राइट लाइट मिले। मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। जो पान के पत्ते का प्लांट है, अगर आप इसको कटिंग से भी ग्रो करते हैं, तो ये बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट होता है। अगर आपके पास स्पेस कम है बैल्कनी में, और अगर आप वाइन चाहते हैं जो बहुत अच्छे से डेकोरेशन पर्पस के लिए भी सुंदर लगे और ग्रीनरी रहे, तो ये प्लांट बेस्ट प्लांट है। ये छोटे से पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पान के पत्ते का प्लांट है, इसको सनलाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में रख देंगे, तो विच मीन्स कि जो इसके पत्ते हैं, वो धीरे धीरे स्कॉर्च होना स्टार्ट होंगे, सनबर्न हो जाएगा, और हमारा जो आपको ये पान का पत्ता दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस प्लांट को आप वहां पे रखें जहां पे सिर्फ इसको ब्राइट लाइट मिले, सनलाइट की इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपके घर के अंदर भी इतना स्पेस है कि जहाँ पे सिर्फ इसको ब्राइट लाइट आए, तो आप वहां पे इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है, ये है नींबू का प्लांट। जो मेरे घर में ये प्लांट लगा हुआ है, इसका नाम चाइनीज नींबू है। नींबू की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। नींबू के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो नींबू का प्लांट है, आप इसको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, और इसको भी सीड से ग्रो आराम से किया जा सकता है। आप इस प्लांट को सिर्फ सनलाइट अच्छे से दीजिए और फर्टिलाइजर दीजिए एवरी मंथ, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। इवन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो एक प्रोसेस होता है, और क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है, ये सब चीजें सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो नींबू का प्लांट है, उसको आप ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे उसको सनलाइट मिले। इसके अलावा आप फर्टिलाइजर कोई भी दे सकते हैं, एवरी मंथ आपको इसको फर्टिलाइजर देना ही देना होगा। जैसे कि अगर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और आप इसको काउ मैन्योर भी दे सकते हैं। जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसका जो साइज है, यानी जो प्लांट का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फर्टिलाइजर दें। आप भी इन प्लांट्स को अपने घर में लगाएं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।